एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहल उठी है राजधानी दिल्ली। बता दें आप सभी को कि ताबड़तोड़ गोलीबारी से और रंगदारी से अभी कुछ ही टाइम पहले राजधानी को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन फिर एक बार दिल्ली के नागल हुई और दिल्ली के अलीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और दिल्ली की सुरक्षा के ऊपर आप सवाल उठाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। हाल ही में कल ये जो बात निकल के सामने आई है कि दिल्ली के नागलोई इलाके में और दिल्ली के अलीपुर इलाके में दोनों जगह पे कल ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसके बाद से राजधानी दिल्ली उन गोलियों की आवाज़ से दहल उठी है। इसी बीच उस घटना को लेके सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया है, जहाँ पर आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो बदमाश है, जो शूटर हैं, वो यहाँ पे आए थे रंगदारी के पैसे मांगने और पैसों को लेकर इन्होंने दुकान के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी करी है। सूत्रों की माने तो नागलोई इलाके में जो गोलीबारी हुई थी उसमें 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। और वही अगर मैं बात करूं अलीपुर इलाके में, तो वहां पर जब गोलीबारी की गई तो गोलीबारी में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, और जिसके बाद रंगदारी को लेकर वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो निकल के सामने आया है। सामने फिलहाल आप देख सकते हैं इस वीडियो पे, जरा इस फुटेज पे ध्यान दीजिए। जिस तरीके से आपने इस फुटेज में देखा है किस तरीके से बदमाश यहाँ पर आ रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। देखिए, कुछ टाइम पहले यहाँ पर दिल्ली के से कई इलाकों में रंगदारी को लेकर यहाँ पर फायरिंग हुई थी। इसी के बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ कि सूत्रों की माने या फिर कुछ लोगों की माने तो ये जो बदमाश थे, जो शूटर्स थे, वो गोगी गैंग के बताए जा रहे हैं। गोगी गैंग के शूटर्स बताए जा रहे हैं। रंगदारी के पैसों को लेकर इन्होंने शूटिंग करी है, यहाँ पर गोलियाँ बरसाई है और गोलियों की आवाज़ से, मैं बता रही हूँ, वहाँ पर गोलियों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लोगों के अंदर दहशत फैला हुआ है। उस पूरे इलाके में जो लोग हैं अपने घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। जाहिर से बात है, जिस तरीके से राजधानी में जो क्राइम है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्राइम का जो यहाँ पे ग्राफ है वो किस कदर बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि आजकल गोलियाँ चलाना और चाकू चलाना लोगों के लिए आम बात होता जा रहा है। इसी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कानून व्यवस्था को लेकर, तो शायद कानून के जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं या फिर जो कानून के रखवाले हैं, वो कहीं ना कहीं इन बदमाशों को पकड़ने को लेकर या फिर इन गैंगस्टर जो गैंग जो चला रहे हैं, यहाँ तक कि जो सलाखों के पीछे बैठकर अपने गैंग चला रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में किसी हद तक क्या पता नाकाम हो रहे हैं, जिस वजह से इन लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। गोली चलाने के लिए आप देखिए इनमें बिल्कुल भी डर नहीं है, किसी भी कानून का डर नहीं है। खुलेआम यहाँ पर जो गोलीबारी है, आए दिन दिल्ली में ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है रंगदारी को लेकर या बहुत से ऐसे मामलों को लेकर। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरा अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या फिर कोई आपका जानकार राजधानी में रहता है, तो उन्हें सतर्क कर दें, सावधान कर दें कि वो अब सुरक्षित तरीके से रहें, जितना हो पाए अपने आप को सुरक्षित रखें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।